क्या हम अपने आप को इनविजिबल कर सकते हैं? मान लो तुम इनविजिबल हो गए तो तुम क्या करोगे? तुम लोगों का तो पता नहीं, बट अगर मैं इनविजिबल हो जाता हूँ तो पहले जगह पता कर लूंगा कि एग्जाम में क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है। उसके बाद तो भाई साहब मुझे टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत मजा आएगा। खैर ये चीज तो पॉसिबल है नहीं, बट आज मैं तुम्हें एक स्टोरी के बारे में बताऊंगा जहाँ एक साइंटिस्ट ने ये पता कर लिया था कि लोगों को कैसे इनविजिबल करा जा सके। और ये साइंटिस्ट हमारे रोहित मेहरा की तरह बिल्कुल नहीं था। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया। इसने तो अपने भाई साहब शक्तियों का भरपूर गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से लोगों के नाक पे तो दम करके रख दिया था इस बंदे ने। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10 इंग्लिश का स्टोरी फुटप्रिंट विदाउट फीट। इसे लिखा था एचजी वेल्स ने, उनका एक नॉवल था इनविजिबल मैन। ये स्टोरी उससे लिया गया है। बट इससे पहले मैं हूँ तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीबी, निकल चुका हूँ एक स्टोरी टेलर बनने के जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ बट वो चीज़ें करने का कोशिश कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। तो देर किस बात की यार, करते हैं शुरू। हमारे इस कहानी का शुरुआत तब होता है जब दो लड़कों को उनके सामने से पैरों के निशान बनते हुए दिख रहे थे। उनके सामने से कोई चलते हुए नहीं दिख रहा था, बट गीले नंगे पैरों के निशान लगातार बन रहा था। उन्होंने थोड़ी देर इसका पीछा किया और अचानक से ये निशान गायब हो गए। अब सवाल ये उठ रहा था कि ये पैरों के निशान है किसके? तो इसका बहुत ही आसान सा जवाब था, एक साइंटिस्ट था जिसने ये पता कर लिया था कि कैसे लोगों को इनविजिबल करा जा सकता है। तो ये पैरों के निशान किसी और का नहीं, उसी साइंटिस्ट का था। इस साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिन। अब देखो, ग्रिफिन एक महान बट एक अजीब साइंटिस्ट था। महान इसलिए क्योंकि उसने एक ऐसा दवाई का डिस्कवरी कर लिया था जिससे कि लोगों को इनविजिबल करा जा सकता है, और उसने ये दवाई खुद ही खा के अपने आप को इनविजिबल कर लिया था। और अजीब इसलिए क्योंकि अब वो ऐसे ऐसे कांड करता है इनविजिबल होने के बाद जिसे सुन के तुम कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। क्या कहूँ यार, अजीब लगेगा तुम्हें। अब देखो, ग्रिफिन एक ऐसा इंसान था जिसे कानून के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था। अब जैसे देखो, हम सबको मकान मालिक बिल्कुल पसंद नहीं होता है, उसी की तरह वो अपने मकान मालिक को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तो जैसे ही वो इनविजिबल होता है, उसने अपने मकान मालिक का घर ही जला दिया। अब देखो, इस चीज के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा, सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून, आई एम लाइक भगवान। पार्टी लेगा, पिज्जा खाएगा, पिज्जा मैं मंगा रहा हूं, खा ले यार। मुझे भी अपना मकान मालिक बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं भी उसकी जगह होता तो यही करता। बट देखो, यहाँ उसने एक गलती कर दिया था, उसने मकान मालिक के घर के साथ साथ अपना भी तो घर जला लिया था, जिसके वजह से उसके लौरे लग चुके थे क्योंकि भाई ने यूज़ नहीं किए थे अपने दिमाग के घोरे। अब होना क्या था, ना उसके पास कोई घर था, ना उसके पास कोई कपड़ा था, ना उसके पास पैसे थे। वो एक नंगा इनविजिबल इंसान सड़कों पर घूम रहा था। अब मिड विंटर का समय था, चारों ओर गिर रहे थे बर्फ और ठंडी तो भाई सब थी ही थी। ऐसा कंडीशन जहाँ लोग घर में रह के जम जा रहे थे, हमारा भाई ग्रिफिन लंदन के सड़कों पे लिटरली नंगा चले जा रहा था। बट वो इनविजिबल था तो उसे कोई देख नहीं पा रहा था, बट उसे ठंडा तो लग ही रहा था। उसके सामने में एक दुकान दिखता है बड़ा सा, जिसके अंदर वो घुस जाता है और बहुत जल्दी वो दुकान बंद हो जाता है। और उसके बाद तो भाई साहब के मौज ही मौज थे, कोई उसे रोकने वाला नहीं था। बिंदास दुकान के अंदर में जितने खाने पीने का चीज था वो इन्जॉय करता है, उसे कपड़े उपड़े पहन के अपने आप को गर्माहट देता है और अपना रात वहाँ बिता लेता है। बट भाई साहब किस्मत में लगे थे उसके लौरे, तो भाई साहब क्या करे, सुबह होता है और दुकान में वर्कर्स आते हैं और उसे देख लेता है, जिसके वजह से उसे भागना पड़ता है वहाँ से दुम दबा के। अब उसे इनविजिबल होना था ताकि उसे लोग ना पकड़ पाए, तो अगेन ना चाहते हुए उसे नंगा होना पड़ता है। और लिटरली इस स्टोरी में ना तुम एक चीज़ देखोगे कि भाई हमारा ग्रिफिन ना नंगे होने में पीएचडी करके रखा हुआ है, मतलब हर बात पे वो इनविजिबल हो जाता है, नंगा हो जाता है। अगर हमारे इंडिया के निब्बा निब्बियों से अगर कंपटीशन किया जाए ना ग्रिफिन भाई का, तो ये चीज़ में तो ग्रिफिन भाई जीत जाएगा, मैं पक्का मान के चल रहा हूँ ये चीज़। अब कब तक ऐसे ठंडे भरे मौसम में ग्रिफिन लंदन के सड़कों पे इनविजिबल होके घूमता फिरेगा? उसने डिसाइड किया कि वो चलेगा ड्रूरी लेन पे। देखो, लंदन का एक शहर जो कि जाना माना जाता है थिएटर वर्ल्ड के लिए। अब लाइक देखो, इंडिया के अंदर में बॉम्बे या मुंबई किस चीज़ के लिए जाना जाता है? बॉलीवुड। अगर तुम्हें एक्ट्रेस बनना है, एक्टर बनना है, हीरो बनना है, तुम कहाँ जाओगे? बॉम्बे जाओगे, मुंबई जाओगे, राइट? अब ड्रूरी लेन भी एक ऐसा जगह था जो कि जाना जाता था थिएटर के लिए। अब यहाँ आ पहुँचता है ग्रिफिन और एक दुकान के अंदर घुसता है और अपने सर पर बैंडेज लगा लेता है, आँखों में एक काला चश्मा, एक नकली नाक और एक टोपी पहन लेता है। और जिस दुकान पे वो आया था उस दुकान के ओनर पे वो अटैक कर देता है और वहाँ से जितने पैसे थे वो लेके वहाँ से भाग जाता है। अब लिटरली मुझे ये बताओ,
भाई तू ऐसे चिंदी चोर वाला काम क्यों कर रहा है? मार्केट में तेरा क्या इज्जत रह जाएगा बता? तुझे इनविजिबल होने का पावर मिला है, प्रोडक्टिवली यूज़ करना इसका। ये क्या कर रहा है तू? मतलब एटलीस्ट बैंक पे डाका डाल, हो सके तो अपने बाप की तिजोरी का पासवर्ड पता कर जिससे तू अपने बाप का जायदाद अपने नाम कर सकता है। और ये नहीं तो एटलीस्ट अपने बेस्ट फ्रेंड की बंदी को चुपके से जाके चुम्मी तो ले ही सकता है ना भाई। नहीं बट तुझे तो भाई ये सब नहीं करना है। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। खैर छोरो, गर्लफ्रेंड ने कर तो दिया था ऐसा चिंदी चोर वाला हरकत, अब उसको लगा कि करना क्या आगे, इस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, ऐसे भाग भाग के कहाँ जाओ। तो उसने सोचा कि शहर से कहीं दूर गांव पे चलता हूँ, उसके बाद पता करता हूँ कि कैसे वापस विजिबल हुआ जाए। और ट्रेन पकड़ता है और एक ऐसे गाँव की ओर निकल पड़ता है जिसका नाम था आइपिंग। अब ये कैसा अजीब सा नाम है यार, मैंने तो सुना था आई लव यू होता है, आई हेट यू होता है, आईफा मतलब जो भी है होता है, बट ये आईपिंग ये कैसा साउंड कर रहा है भाई, अजीब ही साउंड कर रहा है। खैर जो भी हो, इस आईपिंग विलेज के अंदर मैं एंटर करता है और आके एक रूम रेंट करता है मिस्टर एंड मिसेस हॉल के यहाँ। देख रहे हो नाम भी अजीब है रेंट ओनर का, हॉल मतलब कस्टमर को आसानी हो कि भाई साहब मेरा होटल बोलो नहीं कभी, तो नाम भी रख दिया अपने ही पे मिस्टर एंड मिसेस हॉल। अब देखो मिसेस हॉल ये चीज़ सोच रहा था कि ऐसे सर्दी के समय आइपिंग के अंदर में एक अनजान इंसान कहाँ से आ गया है और जो दिख भी रहा है बहुत अजीब सा, मुंह में पट्टा वट्टा बांधा हुआ, लाइक कई सारे सवाल उसके दिमाग पर चल रहे थे जिसका जवाब उसे चाहिए था। अब वो यार थोड़ा फ्रेंडली होके ग्रिफिन भाई से बात करना चाहते थे, बट हमारा ग्रिफिन भाई तो जैसे सख्त लौंडा समिति का प्रेसिडेंट हो, सीधा कह दिया, मैं यहाँ आइपिंग में आया हूँ कुछ समय अपने साथ बिताने के लिए, मुझे अपने काम के समय कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। एक्सीडेंट होने के कारण मेरा चेहरा जला हुआ ब्रेड बन चुका है जिसके ऊपर मैंने बैंडेज वाला पीनट बटर लगाया हुआ है, तो इसे इग्नोर करना। ये रहा रेंट का एडवांस। अभी देखो एडवांस मिल चुका था जिसके वजह से मिसेस हॉल ने ये जो अजीब बिहेवियर था ग्रिफिन का उसे इग्नोर किया, क्योंकि उसे एडवांस जो मिल चुका था तो जैसा भी अजीब बिहेव कर रहा था उसको इग्नोर करते हुए उन्होंने उसे चाबी दे दिया, वो अंदर चले गए रूम के। बट देखो चोरी का पैसा कितने दिन टिकने वाला था, गर्लफ्रेंड का पैसा खत्म हो चुका था, घर में बैठ बैठ के वो कुछ तो करता नहीं था, कमाता नहीं था। उसने मिसेस हॉल के सामने सीधा कह दिया था कि देखो मेरे पास अब तो पैसा नहीं है, बट बहुत ही जल्द एक चेक मेरे नाम पे आने वाला है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लो तुम। अब उस दिन से आइपिंग विलेज के अंदर में कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें होता है, लाइक शुरुआत होता है ये चीज़ का एक क्लर्जी मैन के घर से। अब क्लर्जी मैन जिसे नहीं पता मैं बता दे रहा हूँ, लाइक जो चर्च के अंदर में पुजारी टाइप का होता है ना उसे कहते हैं क्लर्जी मैन, जैसे हमारे मंदिर में होता है ना पुजारी, उसी तरीके से चर्च का पुजारी वो कह सकते हो क्लर्जीमैन। एक सुबह को क्लर्जीमैन और उसके वाइफ को उनके स्टडी रूम से आवाज़ें सुनाई देता है, दोनों उस आवाज़ को फॉलो करते हैं। उन्हें ये चीज़ क्लियरली सुनाई दे रहा था कि उनके डेस्क पे रखे हुए जो पैसा है कोई उन्हें निकाल रहा है, बट जैसे ही वो रूम को खोलते अंदर आते दोनों को कोई नहीं दिखता है रूम के अंदर में। हाँ बट वो जो डेस्क था वो खुला हुआ था और घर में रखे हुए जितने पैसे उस डेस्क के अंदर में थे वो सारे गायब थे। अब जस्ट इमेजिन ये चीज़ कौन कर सकता है, इस गांव के अंदर में एक ही तो है चिंदी चोर जो ऐसी चीज़ें करता है, हमारा ग्रिफिन राइट, एक नंबर का छपरी। गजब तू भी बाज आदमी हो। अब एक मिनट रुको और मेरी बात सुनो, ये क्या है तुम मुझे बता सकते हो? बस 29% लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल को, बाकी लोग कर क्या रहे हैं? तुम लोग शादी में आए हो? हाँ मेरे तरफ से मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ और तुम लोगों की तरफ से तुम एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो यार। तुम्हें पता नहीं है कि इस चैनल के बारे में सिंगल बाबा का श्राप लगा हुआ है इस चैनल में, जो भी आज तक बिना सब्सक्राइब करके गया है ना वो सिंगल ही मरा है, मुझे ही देख लो यार। देखा अपने लापरवाही का नतीजा, मैं मजबूर था बट तुम नहीं हो, तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। अब ऐसा ही एक अजीब चीज होता है, ग्रिफिन जिस होटल पे रहता था वहां पे उसका जो ओनर होता है और उसकी वाइफ मिस्टर एंड मिसेस हॉल, वो सुबह सुबह उठते हैं और उठ के देखते हैं कि जो ग्रिफिन का दरवाज़ा है ना रूम का वो खुला हुआ है। अब देखो ये चीज़ ना नॉर्मल नहीं था, ग्रिफिन एक ऐसा बंदा था जो जब से आया था होटल के अंदर में उसने अपना दरवाज़ा बंद रखा था, लॉक रखा था, बट पता नहीं आज किस रीज़न से वो दरवाज़ा खुला हुआ था। अभी मिसेस हॉल के दिमाग में ये चल रहा था कि ये बंदा दिन भर घर में रहता है, बाहर निकलता नहीं है, पता नहीं क्या ही करता होगा रूम के अंदर, आज मौका है तो क्यों ना घुस के देखा जाए। और इस बात के साथ साथ दोनों अंदर एंटर करते हैं, वो देखते हैं कि पूरा रूम बिखरा पड़ा हुआ है, सामने कुछ बिस्तर पे बैंडेजेस है और कपड़े बिखरे पड़े हैं। अचानक से उन्हें ऐसा फील होता है कि रूम के अंदर में कोई है, जबकि रूम पूरी तरीके से खाली था और उनके सामने रखा हुआ जो कुर्सी था
जो थोड़ी देर पहले तक हिल भी नहीं रहा था, ऐसा फील हो रहा था अचानक से कि वो जिंदा हो चुका है। वो हवा में उठने लगता है और उनके ऊपर अटैक करने लगता है। वो डर के मारे रूम से बाहर निकल जाते हैं और अचानक से रूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है। अभी ये जो चीज़ हुआ था, इससे मिस्टर एंड मिसेस हॉल बहुत ज़्यादा डर चुके थे। मिसेस हॉल का हालत तो इतना ख़राब था कि वो रोने ही लगी थी। ये वो कुर्सी थी जिसमें मेरी माँ बैठा करती थी, अब यही कुर्सी ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। अब ये जो चीज़ सुबह सुबह मिस्टर एंड मिसेस हॉल के साथ हुआ था, ये बात उन्होंने अपने गांव वालों को, अपने पड़ोसियों को बताया। और गांव वालों का कहना ये था कि शायद ये कोई काला जादू विचक्राफ्ट होता होगा, जो कि ये पक्का ये अजीब सा इंसान ग्रिफिन यही कर रहा है। अब इसी बीच उन्हें खबर मिलता है कि क्लर्जीमैन के घर में चोरी हुआ है, और जिसके वजह से उनका जो शक है वो और बढ़ गया कि पक्का ये चोरी मिस्टर ग्रिफिन ने किया है। क्योंकि ग्रिफिन ने कुछ दिन पहले ही मिसेस हॉल को पूरा जो किराया था उनका वो कैश पेमेंट कर दिया था। अब बात ये था कि कुछ दिन पहले तक तो ग्रिफिन के पास एक रुपया नहीं था रेंट देने का, अचानक से ये पैसा आया कहाँ से? अब इस पैसे के बाद से ये जो शक था वो पूरी तरीके से यकीन में बदल चुका था कि ये चोरी हो या रूम के अंदर में जो गड़बड़ी हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रहा है ग्रिफिन की वजह से ही। मिसेस हॉल ने कॉल लगाया पुलिस को, जिसके वजह से गांव का एक कांस्टेबल मिस्टर जेफर्स को मिसेस हॉल के घर पे भेजा गया। अब इसी बीच अचानक से ग्रिफिन अपने रूम से निकलता है, वो रूम जो थोड़ी देर पहले बंद था, जिसके अंदर में मिस्टर एंड मिसेस हॉल के ऊपर एक चेयर ने अटैक किया था। उस रूम के अंदर में कोई नहीं था यार, कैसे ग्रिफिन उस रूम के अंदर से बाहर निकला? मिसेस हॉल के दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे, जो कि उन्होंने डरते हुए ही सही बट पूछ ही दिया। तुम मुझे पहले ये बताओ, तुमने ये मेरे कुर्सी के साथ क्या कर दिया? और तुम इस बंद कमरे से कैसे बाहर आए? अभी तो मैंने देखा था ये पूरी तरीके से खाली था। अब ये सारे सवाल सुनने के बाद साइंटिस्ट का दिमाग फिरक चुका था। वो गुस्से में था और उसने कहा, तुम समझे नहीं कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ? चलो मैं तुम्हें दिखा ही देता हूँ कि मैं हूँ कौन। अब ये कह के ग्रिफिन ने अपना जो बैंडेज है उसे निकाल दिया अपने सर से, जिसके बाद ग्रिफिन पूरी तरीके से एक हेडलेस पर्सन बन गया था। और यही समय था जब वो कांस्टेबल मिसेस हॉल के घर में आता है, और वो भी आके देख के सदमे में था कि ये क्या है, एक ऐसा इंसान जिसका सर ही नहीं है, इसे मुझे अरेस्ट करना है। बट देखो, उसे ऑर्डर मिला हुआ था कि चाहे सर हो या ना हो, भाई साहब अरेस्ट तो करना पड़ेगा। अब उपाय नहीं था, सीधा भर गए वो अरेस्ट करने के लिए ग्रिफिन को। बट ग्रिफिन अपना कपड़ा खोल के अपने आप को इनविजिबल करने में लगा हुआ था। इससे पहले कि वो कांस्टेबल ग्रिफिन को पकड़ता, ग्रिफिन ने पूरी तरीके से अपना कपड़ा खोल लिया था और इनविजिबल हो चुका था। अब ग्रिफिन बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो कांस्टेबल और वहां में बैठे कुछ लोग ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, बट इनविजिबल होने के बाद ग्रिफिन तो उनके ऊपर भारी ही पड़ रहा था। जैसे कभी इधर से मुक्का आ रहा था, कभी उधर से मुक्का आ रहा था, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुक्का आ रहा था, बट लोगों को मुक्का पड़ रहा था भाई। और ये मुक्का कौन दे रहा था? द मैन हु इज इनविजिबल, ग्रिफिन, राइट? और ऐसा ही एक मुक्का आखिर में जाके लगता है उस कांस्टेबल को, जिसके वजह से वो बेहोश हो जाता है। और अब ग्रिफिन को पकड़ने वाला भी नहीं था, तो अब ग्रिफिन पूरी तरीके से आज़ाद परिंदा और इनविजिबल तो था ही, और वो भाग जाता है यार। जिसके साथ साथ ये कहानी भी खत्म हो जाता है। आई नो कहानी थोड़ा अजीब था, बट खत्म। मेरे दिमाग में ना एक सवाल स्टार्टिंग से चल रहा था, मैं बस कह नहीं रहा था तुम लोग को कि कहानी खत्म होने देना चाहता था मैं। यार तुम मुझे बताओ, ग्रिफिन इनविजिबल था कि नहीं था? तो उसे भाई साहब कोई होटल रेंट पे लेने का जरूरत क्या था? पैसे दे के बैठने का जरूरत क्या था भाई? वो तो इनविजिबल है ना, किसी के घर में जाके बैठ लेता, किसी का खा लेता भाई, पैसे खर्चा करने की जरूरत नहीं था ना भाई, मतलब फालतू में पैसा खर्चा कर रहे हैं। खैर, चैप्टर हो चुके ख़त्म। ये है तुम्हारा नोट्स, जहाँ मैंने जो जो चीज़ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें दिया हुआ है। लाइक देखो, ये इंट्रोडक्शन, ये जो स्टोरी है किस बारे में है, क्या नहीं है, हल्का सा बताया हुआ है। फिर पॉइंट वाइज जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उन्हें मेंशन किया हुआ है। पूरी स्टोरी को मैंने 32 पॉइंट्स में कंप्लीट कर दिया है। फिर कैरेक्टर्स के बारे में, स्पेशली जो ग्रिफिन का कैरेक्टर है उसके बारे में थोड़ा बहुत हल्का फल्का मैंने वीडियो में बता ही दिया है, फिर भी लिख भी दिया है यहाँ पे, तुम चाहो तो देख सकते हो। उसके बाद
इस स्टोरी का थीम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन भी बार बार आता है इसके ऊपर, तो वो भी तुम्हारे सामने हाजिर है और ढेर सारे क्वेश्चन यार, चाहे शॉर्ट आंसर्स हो, लॉन्ग आंसर्स हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो, तुम देख सकते हो एक एक बार नज़र मार के, ताकि तुम्हें एक रफ आइडिया मिले कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, और तुम्हारा जो रिवीजन है वो भी आसानी से हो जाएगा चीज़ें देखने के बाद। ये पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल में बाबा बंगाली का ज्ञान, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। खैर वीडियो हो चुका है ख़त्म। और हाँ, क्या तुम्हें पता है कि हमारा एक नया चैनल आ चुका है जहाँ हम पूरी तरीके से एनिमेटेड कंटेंट डाला करेंगे, जहाँ तुम देखोगे ज़्यादातर मैं और मेरे सिस्टर का जो स्टोरी टाइम वीडियोस हम डाला करेंगे, और साथ ही साथ हम तुम लोगों का भी जो अच्छा अच्छा एक्सपीरियंसेस है लाइफ के अंदर में या बुरा एक्सपीरियंसेस, उसे भी स्टोरी टाइम के तौर पर दिखाया करेंगे। बस तुम्हें जो ईमेल होगा उस चैनल पर, वहाँ जाके अपना जो भी स्टोरी है अच्छा या बुरा टाइप करके भेज देना है, क्या पता वो लकी विनर तुम हो। अगर हमें स्टोरी पसंद आ गया तो तुम्हारे स्टोरी भी हमें स्टोरी टाइम पे डाल सकते हैं। तुम्हें बस क्या करना है यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर देना चैनल को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाकी यार जाने से पहले तुम लोगों से बस इतना कहना है, बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय।